लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशनब सेंसी कॉन्टिनेंट के किसी माउंटेन में आके लैंड करता है। यहाँ पर पहुँचते ही ब्लैक के आसपास देखते हुए कहता है कि सावशन लुएनफी कहाँ पे है। तब सावशन कहता है कि लगता है इस कॉन्टिनेंट में एंटर करते करते मैं और लुएनफी अलग अलग प्लेस में टेलीपोर्ट हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये एक तरफ से अच्छा ही हुआ। अब लुएनफी अपने स्टाइल से और मैं अपने तरीके से इस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। जिस पर अब इतना कि सावशन अपनी पावर से अपेयर करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस कॉन्टिनेंट में एंटर करने के बाद मेरी शक्तियाँ कुछ हद तक डिक्रीज हो गई है, मगर कोई बात नहीं, इतना तो मैं मेंटेन कर ही लूंगा। बस अब ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर इस रिलम में चीजें काम कैसे करती है। ब्लैकी, तुम भी अपनी पावर से चेक करो, क्या तुम्हारे अंदर भी कुछ बदलाव आए हैं। तब ब्लैकी भी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पावर से अपेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर ट्राई करने के बावजूद भी ब्लैकी कुछ भी नहीं कर पाता है। जिस पर ब्लैकी अब बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि साशन मुझे कुछ हो गया है। तब साशन कहता है क्या हुआ, क्या तुमने देखा कि तुम्हारी पावर सभी किस लेवल पे है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि वही तो पावर सी तो नहीं दिख रहे, ये सेंसी कॉन्टिनेंट बहुत ही अजीब है, मैं यहाँ पे नायरलम की तरह किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल ऑरा को फील नहीं कर पा रहा। दूसरी ओर मेरी शक्तियों को भी क्या हो गया, वो बाहर आ ही नहीं रहे। जिसे सुनकर साशन अब यहाँ के ऑरा को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि लगता है यहाँ पे अर्थ और हेवन की पावर अलग तरीके से काम करती है, शायद यहाँ पे पावर सा लेवल ही अलग है, जिसकी वजह से जो सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के लोग जितना पावरफुल है वही अपने ऑरा को अपेयर कर पा रहे हैं। और फिर साशन अब ब्लैकी को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुमसे नायरलम में कितनी बार कहा था कि जितना ज्यादा हो सके अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करने पे ध्यान दो, मगर नहीं तो तुम्हें सिर्फ खाने सोने और ही उनके साथ खेलने में मन लग रहा था। अब तो तुम्हारी पावर्स यहाँ पे शायद जीरो लेवल पे डिक्रीज हो चुकी है। तब ब्लैकी अब दहाड़े मार के रोते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नाइन रिलम और आउटर रिलम का मोस्ट पावरफुल क्रिएचर हूँ, मेरी शक्तियाँ इतनी आसानी से कैसे जा सकती है। हेवन से मेरी माँ और मेरे क्लैन लीडर भी मुझे देखते हुए सोच रहे होंगे कि आखिर किस बास्टर्ड गधे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस पर शासन कहता है कि ब्लैकी रोना धोना बंद करो, ये लो मेरे पास एक एनर्जी स्टोन है, इसके पावर से अब्जॉर्ब करके तुम दोबारा से अपनी पावर अपेयर करने की कोशिश करो। तब इतना सुनते ब्लैकी अब सीधे नीचे आते हुए स्टोन को खा लेता है, जिसके बाद इसी पावर से दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपेयर करने की कोशिश करता है, मगर इसे भी ट्राई कर लेने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है। तब ब्लैकी कहता है इस सेशन में जितनी तेजी से किसी पावर से अब्जॉर्ब कर रहा हूँ उससे भी 100 गुना तेजी से मेरी बॉडी से डिसअपेयर हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आउटर रिलम की क्रिएचर इस रिलम में किसी मामूली जानवर के समान है। जिस पर सेशन भी कहता है हाँ, इस बात में दो पॉइंट है, क्योंकि व्हाइट स्नो ड्रैगन ने भी अपने 1000 साल की उम्र में कभी भी इस रिलम पे अटैक नहीं किया। तब ब्लैकी अब बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है साशन क्या इसका मतलब, अब मैं खूंखार खड़ा वुल्फ से एक भौंदा सा पपी बन गया हूँ। जिस पर साशन कहता है कि ब्लैकी टेंशन मत लो, अभी अभी तो हमने इस कॉन्टिनेंट में एंटर किया है, ज्यादा कुछ सोचने से पहले हम इस रिलम के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तब ब्लैकी भी ओके कहता है, जिस पर साशन अब कुछ सेंस करते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि सामने कोई सिटी है, चलो वहीं पे जाके पहले इस रिलम के बारे में अच्छे से पता लगाते हैं। इसके अलावा जल्दी से हमें ये भी फाइंड करना होगा कि आखिर ये दिन सिंह माउंटेन है कहाँ, क्योंकि कोई तो है जो हमारा बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इस रिलम के सिटी को देखते हैं, जहाँ पर जिनूरिलम की तरह ही लोग अपने अपने सामानों को बेचने में लगे हुए थे। तब यहाँ पे साशन भी आते हुए कहता है कि इस रिलम में भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, बस यहाँ की चीजें नाइन रिलम से थोड़ी एडवांस है। जिस पर अब ये शॉपकीपर साशन को बुलाते हुए कहता है कि ब्रदर जरा इन चीजों को देखो, मेरे पास ली फैमिली की बनाई हुई सबसे बेस्ट एंटिक्स है। तब साशन इसके पास में से किसी और को उठाते हुए कहता है कि ये तो कमाल है, यहाँ पर तो छोटे मोटे लोगों के पास भी बहुत ही बढ़िया ट्रेजर्स है, खैर मुझे पहले दिन सिंह माउंटेन को ही ढूंढना चाहिए, उसके बाद ही मैं इन सब चीजों में पढ़ूंगा। जिस पर अब यही सोच के सावचन इससे पूछता है कि ब्रदर क्या यहाँ भी कोई ऐसी एजेंसी है जो यहाँ भी किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन को सेल करती हो। तब ये शॉपकीपर कहता है कि सिटी के एकदम लास्ट में चले जाओ, वहाँ पे तेंजी पवेलियन है, वो पवेलियन इस सिटी की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन एजेंसी है, तुम्हें जिसकी भी जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी। और अब सीन चेंज होता है और हम तेंजी पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब सावचन भी अपना हुलिया बदल के पहुंच चुका था। गाइस, सावशन के इस गेटअप को देखकर सच में मेरी हंसी छूट गई थी, इसलिए नहीं क्योंकि सावशन ऐसा दिख रहा था, बल्कि इसलिए देखो ब्लैकी कैसे छुपा हुआ है। जिस पर अब स्पॉइलियन का एक आदमी सावशन के पास आते हुए कहता है सर प्लीज हमारे साथ आइए। तब ये देखकर सावशन अब बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या मैंने तो अभी तक स्पॉइलियन में कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ली है, तो फिर ये मेरे पास आके मुझे क्यों बुला रहा है। जिस पर अब यहाँ पे मौजूद बाकी लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, क्योंकि तेंजी पवेलियन के लोग कभी भी किसी का स्वागत इस तरह से नहीं करते। पर अब सावशन इस आदमी के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि लगता है आपके तेंजी पवेलियन की सिटी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग कभी भी किसी का इस तरह से स्वागत नहीं करते। जिस पर यह आदमी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए ऊपर बैठ के बात करते हैं। तब ये आदमी अब सावशन को लेके ऊपर के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर पहले से इसके 2 आदमी बैठे हुए थे, मतलब एक आदमी और एक औरत। जिस पर अब ये दोनों इस आदमी से पूछते हैं कि क्या नांसी का पता चला। तब ये आदमी कहता है कि नहीं उसके बारे
में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इन बातों को छोड़ो, देखो मेरे साथ कौन आए हैं। जिस पर अब यह तीनों साशन को देख के इसके आगे झुकते हुए कह रहे कि मास्टर आपको देख कर खुशी हुए। तब इतना सुनते ब्लैकी अब बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है, साशन आखिर तुमने किसका रूप धारण किया है, ये लोग तो तुम्हें अपना मास्टर समझ रहे हैं। जिस पर साशन कह रहा है कि कन्फ्यूज तो मैं भी हूँ। तब याद भी किया था कि मास्टर तेंजिंग के लोग इस सिटी में किसी फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए अब अगर आप चाहें तो अपने असली रूप में आ सकते हैं। तब ये सुनकर साशन अब बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि क्या तुम लोग मेरी रियल आइडेंटिटी जानते हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।